हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है। देखिए, मेंटेनेंस केस में ये बहुत होता है कि आपकी जो वाइफ है वो कोई काम कर रही होती है, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ और चीज़ें होती हैं। एक केस का उदाहरण लेकर के आपको मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों के मामले से ये चीज़ प्रैक्टिकली मैच करेगी और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। रिसेंटली एक मैट्रिमोनियल केस में मेंटेनेंस का मामला हमारे पास आया। मेंटेनेंस के मामले में जो लड़का था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और उसकी जो सैलरी थी वो 70,000 करीबन पर मंथ थी, और जो पत्नी थी वो सेटलमेंट करने के लिए एक बहुत मोटा अमाउंट क्लेम कर रही थी। तो मीडिएशन फेल हो गया, मीडिएशन नहीं हो पाया। अब जो लड़की ने अपनी प्लेंट फाइल करी, उस प्लेंट के अंदर उसने मेंशन कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर काम करती हूं, लेकिन मेरी सैलरी कुछ भी नहीं है, मुझे केवल 2500 रुपये महीना मिलता है। अब दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक लड़की जो कि बहुत अच्छी हाईली क्वालिफाइड है वो एक किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करती है, उसको 2500 रुपये महीना मिलता है। तो हमने अपने रिप्लाई में इसी चीज़ को फोकस किया। हमने कहा, भैया एक मजदूर भी आज के समय काम करता है, वो 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, 30 दिन के 18,000 रुपये तो वही हो जाते हैं। तो ये इतनी हाईली क्वालिफाइड लेडीज जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रही है, इसे एक मजदूर से भी कम मिलती है 2500 रुपये, जो प्रैक्टिकली नहीं है। हमने वहाँ पर मैंशन कर दिया कि हमारी जानकारी के अनुसार इनकी जो सैलरी है वो 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ है। हालांकि हमें उनकी सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं पता था, हमारे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं थी, हमारा जस्ट एक अंदाजा था। उस अंदाजे को हमने मेंशन कर दिया कि भाई इनकी सैलरी हमारे अकॉर्डिंग 40,000 रुपये पर मंथ है, और ये इस चीज़ को छुपा रही है। इसी वजह से इन्होंने अपने रजनीश नेहा के एफिडेविट में ये तो लिखा है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, ना तो अपनी सैलरी स्लिप दी है, ना तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दी है। तो जो हमारा कहना है ये वो ये है कि इनकी सैलरी 40,000 रुपये करीबन पर मंथ है, और उसी को छुपाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब दोस्तों, जब इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हुए, तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट ने स्ट्रिक्टली, जब आर्ग्यूमेंट में भी हमने यही चीज़ें बताई, तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लड़की से बोला कि आपने अपनी सैलरी स्लिप क्यों नहीं सबमिट करी? अगर आप कह रही हो आपकी 2500 रुपये प्रति माह तनख्वाह है, तो आप सैलरी स्लिप तो देते, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तो देते। चूंकि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, चूंकि आपने अपनी सैलरी स्लिप नहीं दी, इससे साफ पता चलता है कि आप माननीय न्यायालय से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपोजिट पार्टी कह रही है कि आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ के बीच में है, वही बात सत्य है, और उसी वजह से बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी सैलरी स्लिप को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। कोर्ट ने यह अनुमान लगाया कि उस लड़की के ये तो एक्सेप्ट ही था कि भाई वो काम कर रही है पब्लिक सेक्टर कंपनी में, ये माना कि 2500 रुपये तो सैलरी हो नहीं सकती, तो अराउंड वही सैलरी होगी जो हम बता रहे हैं, और उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी खासी थी। तो इस केस में हमारा जो मेंटेनेंस था वो डिनाई कर दिया गया, यानी कि इंट्री मेंटेनेंस नहीं लगाया गया, बोला फाइनल पे ट्रायल में देखते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल परिस्थितियों से यही लगता है कि आपको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, आपकी खुद की सैलरी काफी अच्छी खासी है, और उसी को हाइड करने के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट में नहीं दिए हैं। तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मामले में आपके साथ ऐसा होता है कि लड़की अपनी गलत सैलरी बता रही है, आपको पता है कि जितनी वो सैलरी बता रही है उससे 2 गुना या 3 गुना उसकी सैलरी होगी, तो आप वो फिगर वहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे पास कई सारे आए कि सर मेरे को पता तो है कि अंदाजन इतना होगा, लेकिन यार मैं लिख दूं, क्योंकि अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इतनी सैलरी है, मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे अनुमान के अनुसार, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप लिख देते हैं उसकी लगभग 50,000 रुपये सैलरी है मेरी जानकारी के अनुसार, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्लेम बन जाएगा अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपये नहीं हुई तो। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप बड़ा चढ़ा के लिख दें लाखों रुपये में। एक जेन्यूननेस के साथ आप अपना एक अनुमान वहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बावजूद अगर वो वहाँ पे कोर्ट में अपनी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करती है, तो पूरा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा कि जो फिगर आप बता रहे हैं एक्चुअल में वही फिगर होगा, इसीलिए वो सारी चीज़ों को हाइड कर रही है, और आपको इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत चीज़ें होती हैं, किसी एक ही लकीर के आधार पर कोई भी मेंटेनेंस केस नहीं लड़ा जाता, हर केस की परिस्थितियाँ अलग हैं, और हर केस में आपको क्या करना है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा मिलता जुलता जिसके साथ ऐसा हो वो इस तरह से स्ट्रेटेजी को अपनाकर भी लाभ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।